नौगांव के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में एक बार आपका आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम आपको नौगांव की हर एक शख्सियत से हर एपिसोड में रूबरू करवाते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं नौगांव PI श्री मृगेंद्र त्रिपाठी जी। सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास मुलाकात कार्यक्रम में। सर, आपका बचपन जो रहा वो क्या रहा है, जो स्कूली शिक्षा रही है या हायर एजुकेशन शिक्षा रहा है वो क्या रहा है उसमें? भाई बढ़ती यूपी बिलोंग करता हूँ, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में जलालाबाद मेरे गांव में। स्कूल एजुकेशन मेरा काम हुआ, फिर इंटरमीडिएट में कन्नौज पढ़ने गया, फिर पिताजी हमारे भिंड में सर्विस में थे, बड़े भाई सर्विस में थे, उनके साथ में इधर आ गया मध्य प्रदेश में। आगे BSc मैंने गवर्नमेंट कॉलेज मुरैना से किया, फिर MSc साइंस का कॉलेज, इस तरह से मेरा एकेडमिक करियर था। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम एक्चुअल भाइयों की अगर बात करें, हम लोग 6 भाई हैं। इनमें बड़े भाई स्वर्गवासी होगी, जिनका मैंने देख लिया, जिनके साथ पढ़ने गया, 5 भाई और अभी 5 भाई हैं। आप सर अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो आपकी शादी का कितने बच्चे हैं आपके? मेरी शादी 1991 में हुई थी, 3 बच्चे हैं, 1 बेटा है, 2 बेटियाँ, बेटा बड़ा है, बेटियाँ छोटी हैं, तीनों अभी एक पढ़ रहे अपना कॉलेज में है, बेटी स्कूल में है, बड़ा बेटा और बड़ी बेटी दोनों कॉलेज में। मृगेंद्र त्रिपाठी जी को पुलिस में आने का जज्बा कहाँ से पैदा हुआ, कैसा रहा, मतलब एक्सपीरियंस कैसा था पुलिस में आने का? एक्चुअल हमारे जो बड़े भाई थे उनका हमेशा प्रेरणा रहती कि शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर को स्वस्थ रखने में हम लोग फिजिकल एक्टिविटी में बचपन से ही लगे रहते थे। और आपको बता दें कि हमारे मेरे 2 बड़े भाई अजय त्रिपाठी और राजमहेंद्र त्रिपाठी, ये दोनों ही DSP हैं और ये दोनों ही सूबेदार पद से भर्ती हुए थे। अभी एक की सेवाएं ग्वालियर में हैं, DSP ट्रैफिक के रूप में अजय त्रिपाठी, और राजमहेंद्र त्रिपाठी DSP इंदौर में ट्रैफिक पुलिस देते हैं। क्योंकि वो दोनों लोग उसके बाद एक पुलिस में भर्ती हो गए, मुझे भी लगा ये ठीक है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया मुझे मालूम पड़ गई थी, तैयारी फिजिकल एक्टिविटी की मेरी थी, कॉलेज जाने से कर रखा था, तो उसको देने से मेरा सिलेक्शन हो गया। यानी कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड ही पुलिस से लगा हुआ था, मतलब देखा जाएगा तो? हाँ, नियरेस्ट ही था, एक बड़े भाई मिलिट्री से भी रिटायर्ड है, कुछ ऐसा घर में माहौल तो था, हमारे चाचा ताऊ वगैरह अच्छे पहलवान थे, तो ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। सर, अगर हम बात करते हैं जैसे कि पुलिस महकमे में हम आए हैं, तो पुलिस थाने में FIR लिखवाने का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि हम हर आदमी इससे अवेयर नहीं है, तो आप नौ की आवाम को बताएं कि FIR दर्ज करवाने का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो हम देखें, बड़ी दिक्कत एक व्यक्ति को एक आदमी के साथ ही होती है, उसके बाद जितनी सूचनाएं होती हैं मस्तिष्क में वो 90% या 90+ मान लें इंफॉर्मेटिव होती है, माने किसी ने सूचना दे दी, किसी ने जानकारी दे दी, उसने उसको सत्य मान के और उस पर आचरण करने लगता है। जबकि कई बार ऐसा होता है कि जब उसको व्यवहार में जाते हैं तो दिक्कतें स्थितियाँ उलट मिलती हैं। ऐसे में देखता हूँ पुलिस विभाग के बारे में भी है, जो लोग पुलिस विभाग के टच में आते हैं, पुलिस वालों के साथ काम कर लेते हैं या पुलिस वालों से अपनी बात कर लेते हैं, उनको सुखद अनुभव होता है, बजाय उनके जो कभी पुलिस के टच में नहीं आते। इन जनरल लोगों को ऐसी जानकारी है पुलिस में, लोग सुनते नहीं, लोग काम नहीं करते, पर ये गलत है। आप कभी भी आएँ, आपका स्वागत है। FIR लिखाने का सीधा से कोई पीड़ित है, थाने में आए, थाने में ड्यूटी पे स्वागत अधिकारी रहते हैं, उनको अपनी बात कहें। पुलिसकर्मी की ड्यूटी 24 घंटे की होती है, बाकी अदर डिपार्टमेंट देखें तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी भी 8 घंटे की होनी चाहिए? नहीं, इसमें थोड़ा सा ये है, मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस 24 घंटे ड्यूटी के लिए तत्पर रहेगी, मतलब 24 घंटे में किसी आवर में अगर हमें ड्यूटी बोला जाता तो मना नहीं कर सकते। एक्चुअल व्यवहारिक रूप से 24 घंटे संभव नहीं है, अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे बाद फिर पहला घंटा शुरू हो जाएगा, तो ड्यूटी हमें 24 घंटे करना है। किसी टाइम जैसे ऑफिस टाइम की अगर बात करें तो वो 10 से 5 है उनका, तो वो 10 से 5 के बाद अगर उनसे बोला जाएगा तो वो फिर उनकी सेवाओं को चीज़ नहीं है। पर पुलिस में ऐसा आप नहीं कर सकते, रात को 2 बजे बुलाया जाए तो आप 2 बजे जाएंगे, फिर अगर सुबह 6 बजे फिर बुलाया तो जाना पड़ेगा, उसकी ड्यूटी ऐसी है कि उसको हम कर ही नहीं सकते। और कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर विवेचना आ गई आपके पास तो फिर उसमें 36 घंटे भी हो जाने लगा तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो लिंक अगर टूटती है विवेचना की तो उससे दिक्कत आएगी, तो काम तो करना पड़ेगा।
आमतौर पर पुलिस जनमानस की सेवा के लिए होती है, लेकिन शरीफ से शरीफ आदमी पुलिस थाने में जाने से डरता क्यों है और गुंडे बल्कि डरते नहीं है? नहीं, मैंने आपको बताया ना अभी जनमानस की, जो मैंने बताया कि हमारा दिमाग में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर सूचनात्मक हैं, उनको हमने टेस्ट नहीं किया। जब हम टेस्ट कर लेते हैं, जो मैंने आप जैसा कह रहे हैं कि गुंडे नहीं डरते, तो गुंडों को कई बार प्रोसेस मालूम रहती है, और शरीफ से शरीफ आदमी को एक्चुअल होता क्या, हम देखते हैं हमारी माताएं और जो पिता होते हैं कई बार वो अपने बच्चों को कराते हैं, ये पुलिस पकड़ ली। कोई ऐसा कानून अगर आपकी जानकारी हो कि बच्चों को पुलिस पकड़ती, बहुत इनलैट जो गोदीन बच्चे हैं उनको पुलिस पकड़ती है, तो मुझे नहीं मालूम। आप जो माता पिता अगर बच्चों को ऐसा डराते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, माता पिता को लोग ऐसा मानते हैं, वो सत्य जानकारी देते हैं, तो उनके दिमाग बड़े होने पर भी ये रहती पुलिस पकड़ लेती, पुलिस तो उसको पकड़े जिसने कोई अपराध किया हुआ ऐसा। तो अगर कोई आदमी ऐसा सोचता है तो गलत है। आप बात करिए पुलिस वाले से, बात करिए पुलिस वाले वेल एजुकेटेड होते हैं, बढ़िया बात करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कभी लोग अपनी मनमाने के लिए आते हैं तो ठीक नहीं। आप कानून की बात करिए, कानून में चूँकि हम जवाब दे हैं तो हम कानून का जवाब तो देंगे, पर आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आप कहीं आए हैं फिर आप कहेंगे हमारे सुनी नहीं जा रहे, तो वो ठीक बात। छतरपुर ज़िले में आप पहले हरपालपुर पदस्थ रहे, लगभग 1.5 साल पदस्थ रहे आप हरपालपुर में जी, उसके बाद आपका स्थानांतरण बिजावर में हुआ, बिजावर में आपने 4 महीने का टाइम दिया, तो ये 4 महीने में स्थानांतरण क्यों होगा जब एक नगेंद्र पार्टी 1.5 साल टिक सकती है थाने में हरपालपुर में, तो बिजावर में मात्र 4 महीने? ये थोड़ी प्रशासनिक व्यवस्था है, इनमें कोई सोच विचार नहीं रखना चाहिए। स्थानांतरण होता है तो आप जाएँ ज्वाइन करें और ड्यूटी करें, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ बताया जाए वहाँ जाएँ। ऐसे तो अगर हम तो क्या मान लिया जाए कि नगेंद्र पार्टी बिजावर थाना नहीं संभाल पाए? नहीं नहीं, कोई थाना संभालता या नहीं संभालता ऐसी कोई बात ही नहीं होती, हर आदमी अपनी ट्रेनिंग लिए होता है, अपना काम लिए होता है। मैंने बताया ना प्रशासनिक कुछ निर्णय रहते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और ऐसे हम किसी मान लो कांस्टेबल बोले तो अभी ड्यूटी कर गए फिर जाओ वहाँ ड्यूटी करने, तो वो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। उसमें बाद में भले उसको रिलैक्स दिया जाए, उसको मैंने एडवांटेज दिया जाए इस बात का, पर तत्काल उसको करना पड़ेगा, और यही पुलिस है, यही मिलिट्री है, यही अनुशासन, और मैं समझता हूँ हर विभाग में है, लगभग है हर जगह जाते हैं अनुशासित है। आए दिन पुलिस विभाग द्वारा चालान काटे जाते हैं रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ, हेलमेट के खिलाफ पुलिस वाला, तो ये काम तो ट्रैफिक पुलिस का होता है, फिर एक पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों में सिमिलरिटी क्या है? आप भी कुछ काम करते हैं उनका सफ़ेद वर्दी का नहीं, वो क्या है देखें, यहाँ मैं आपको जानकारी दूँ, आज की डेट में मैं जहाँ तक समझता हूँ और ऊपर भी एक ऐसा महसूस किया गया है, ट्रैफिक पुलिस का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल मैं मानता हूँ, क्योंकि सड़क पर जितनी दुर्घटनाएँ हो रही, जितने लोग हताहत हो रहे हैं, वो मैक्सिमम निर्दोष होते हैं। क्यों माने कि थाने में जो रिपोर्ट लिखाने आते हैं उसमें कहीं ना कहीं दोपक्षी वार्ता होती है, दोपक्षी आपस में कहीं ना कहीं गुण और दोष होते हैं, बुराई अच्छाई होती, पर रोड पे मरने वाला निर्दोष ही होता है, लगभग उतावलापन उसका शामिल हो सकता है, पर उसकी सजा मौत हो वो ठीक नहीं। तो ट्रैफिक पुलिस को इम्पोर्टेंट रोल है, अगर वो चालान करते हैं, नियम बताते हैं, नियम पालन कराते हैं तो ठीक बात है, कहीं थाने की वो एक ही बात है, थाने से ही ट्रैफिक में आते हैं, ट्रैफिक से ही थाने में आते हैं, ये अलग अलग नहीं है, तो बस एक ही सिक्के के पहलू बोल सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल, ये थाने का ही आदमी ट्रैफिक पुलिस चला जाता है, ट्रैफिक पुलिस से फिर बाद थाने में आ जाते हैं। सर जैसे किसी गाड़ी आपने पकड़ी सामने वाले की, उसका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, थ्रू 3 सवारी करके चला रहा था, तो उस कंडीशन में पुलिस वाले उनका चालान काटते हैं, अगर उसके सामने वाले पास उतना पैसा नहीं होता है चालान का उस व्यक्ति के पास, तो उस कंडीशन में उसकी गाड़ी थाने में रख ली जाती है, तो क्या उसको गाड़ी थाने में रखना है, उसको छोड़ देना उचित होता है, या कोई तीसरा वे भी है उसको पनिश करने का? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे चीज निवेदन करना चाहूँगा, जो बड़ा स्पष्ट रूप से लोगों को समझ लेना चाहिए कि बिना पेपर माने रजिस्ट्रेशन नहीं है तो दिक्कत है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना बीमा की गाड़ी चला रहे हैं हम, बिना लाइसेंस के ड्राइव कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, सिवा बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं। आप बिना पेपर के कभी वाहन चला, बिना लाइसेंस वाहन मत चलाइए, बिना बीमा की कोई गाड़ी मत चलाइए, कभी जब दुर्घटना होती है तो उसमें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और रही बात पुलिस की जो आप बता रहे हैं कि जब्त कर देती, तो कई बार प्रोविजन है कि उसको आप डिटेन कर सकते हैं, पर अगर उसके पास पैसे नहीं है तो कोई पेपर अपन रख सकते हैं उसको बतौर गारंटी, और कोर्ट के चालान बना सकते हैं, तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है हर मामले में
हर समय गाड़ी को उसी मतलब जब किया जाए और खाने पकाए। क्या कभी मृगेंद्र त्रिपाठी जी के ऊपर कोई प्रशासनिक कार्य में राजनीतिक दबाव आया है? क्या अक्सर देखा जाता है, हमने मूवीज देखी हुई है कि राजनीतिक दबाव रहता है प्रशासन पुलिस कर्मियों पर रहता है? नहीं, इसका जवाब तो मैं यूँ देना चाहूँगा, शायद हम अपने घर में जब तक अपना दरवाज़ा नहीं खोलते कोई जबरदस्ती नहीं घुसता है। अगर कोई ऐसा महसूस करता है तो उसने निश्चित तौर पर उनके लिए अपना दरवाज़ा खोला होगा कि आप आइए वेलकम है, पर मैं ऐसा महसूस नहीं करता। हमारा एक कानून का काम है, कानून लिखित में है, वो सब पालन करते हैं ना हम। अगर कानून की बात आएगी तो कोई अगर बात करता है कानून बताते हैं कि इसमें ये प्रोविज़न है, उस पर कोई आगे पीछे किए नहीं जा सकता। रही बात संबंध को सबसे अच्छे रखना चाहिए, संबंध सबसे अच्छा होना चाहिए, पर राजनीतिक दबाव तो कानूनी काम है तो सब संबंध नहीं, क्योंकि वो एक फिक्स चीज़ है, उसमें आगे पीछे किए नहीं सकते। पुलिस कल्चर में घुसखोरी, शराबखोरी, गाली गलौज सम्मिलित है, तो क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस कल्चर में बदलाव होना चाहिए? पुलिस के जो पर्सन आते हैं वो एक समाज से ही आते हैं, और जो चीज़ें समाज में हैं तो वो कई बार पुलिस वालों के साथ भी रहती है, पर यहाँ काफ़ी नियंत्रण है और हम ज़्यादातर डिसिप्लिन को मेंटेन ही करते हैं। अच्छा, आमतौर पर देखा जाए, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जी जी, सबसे कम वेतन पुलिसकर्मी का है आधा अगर देखा जाए तो, पुलिसकर्मी का वेतन तो क्या उतनी वेतन से वो घर का गुजारा चल जाता है, मतलब परिवार का मेंटेनेंस हो जाता है? ये मैन टू मैन डिफर करता है गुजारा। देखें, कोई भी शासन में सेवारत है उतना वेतन उसके लिए पर्याप्त होता है उस पद के लिए। अब अगर हम इंस्पेक्टर हैं और हम कहें हमें लग्जरी लाइफ जीना है तो हमें निश्चित तौर पे एक दायरे में रहना होगा, उसके बाद अगर हम कुछ करते हैं तो फिर हमें निश्चित तौर पर मुसीबत उठाना पड़ेगा। पर्याप्त वेतन है, मैनेजमेंट अगर आदमी घर से अच्छा करता है तो वेतन उतना कम नहीं, अगर किसी कोई गड़बड़ करता है तो उसकी निजी मर्जी इच्छा नहीं। सर, क्योंकि आमतौर पर देखा जाएगा दूसरे एम्प्लॉयज कंपेरिजन करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से कंपेरिजन करते हैं तो पुलिस विभाग के एम्प्लॉय का सैलरी बहुत कम होता है अगर देखा जाए, तो क्या उचित है इतनी सैलरी? नहीं, देखिए, मैं तो व्यक्तिगत रूप से आप कहता हूँ, ये जज्बे की नौकरी है, ये सेवा जज्बे की, मिलिट्री में जाएँ हम, एम पुलिस में जाएँ या कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो, ये तो जज्बे की बात है, आप करिए तो अच्छा लगता है करिए। और मैं समझता हूँ, हाँ, कुछ समय पहले ऐसा था कि वेतन माना जा सकता था कि इतना पर्याप्त नहीं था, पर अभी तो है पर्याप्त वेतन है, पर अभी शायद अगला फिक्सेशन होगा तो उसमें और अच्छा वेतन मिलेगा। क्या ये कम वेतन की वजह से ही पुलिसकर्मी रिश्वतखोरी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, इसका इसकी वजह क्या माना जाए? नहीं, रिश्वतखोरी तो इसकी कोई वजह नहीं, ये तो मैं बताऊँ आपको कि ये तो व्यक्तिगत रूप व्यक्तिगत तो उस पर डिपेंड करता है, रिश्वतखोरी का वेतन से कोई संबंध नहीं। अगर कोई रिश्वतखोर है पुलिस में है या कहीं भी है, उसका वेतन से कोई संबंध नहीं, वो तो उसकी न्यायिक निजी रजा निजी मर्जी है, वो करे तो करे, ऐसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जाके कर सकते हैं, वजह नहीं है, हम इसको बेस नहीं बना सकते कि सर तनख्वाह कम है इसलिए हम दे सकते। अगर आप तनख्वाह कम रखती है तो आपका ऑप्शन है, आप दूसरी जगह चले जाए, दूसरी जगह सेवाएँ, पर ये कोई आधार नहीं, इसको अगर कोई आधार बनाता है तो ठीक बन नहीं रहता। नौ पब्लिक का कहना है कि जब से मृगेंद्र त्रिपाठी जी आए हैं थाने में एफ आई आर दर्ज करवाने जाते हैं तो कोई भी एफ आई आर रजिस्टर नहीं होती है, दूसरे एम्प्लॉयज का या जो एफ आई लिखते हैं उनसे लिखते हैं, उनका कहना है कि बिना टीआई की सहमति से एफ आई नहीं लिखी जाएगी, तो क्या टीआई साहब का इंतजार किया जाएगा किसी वारदात के लिए, जब टीआई साहब आएंगे तभी एफ आई आर रजिस्टर्ड होगी? नहीं, ऐसा आपकी जानकारी में अगर आया तो हो सकता है, पर एफ आई आर के लिए तो निश्चित तौर पर ऑफिसर डिप्यूटेड होते हैं, डे नाइट ऑफिसर रहते हैं, और एफ आई आर हाँ जानकारी में लाना जरूरी रहता है कि फला रिपोर्ट आई है, उसके बाद हमारे कारण हम नहीं हैं इसलिए डिले होगी एफ आई आर, ये तो पता ही। लेकिन आप ही के डिपार्टमेंट कहना है कि टीआई साहब नहीं है तो मैं सील आकर रिसीव नहीं दे सकता हूँ, ऐसा मामला सामने आया है, मैं आपको वो मतलब फरियाद भी ला सकता हूँ सामने? हाँ, तो कोई अगर वो ऐसा मामला तो हम नहीं कह सकते, कई बार ऐसे आते हैं, मैंने बताया ना इच्छा पूर्ति की हमारी इच्छा है, कई बार पेपर ऐसा होता है जिसका पुलिस कोई संबंध नहीं होता, फिर भी अब उसमें रिसीव देना ना देना समझ नहीं आता कि भाई क्यों विजिट करते हैं। अगर कोई आम आदमी एफ आई आर करना चाह रहा है तो वो पुलिस से कैसे संपर्क करे,
पुलिस सीधा संपर्क आपको थाना हमेशा देखें आप, मैंने कैदी घर वो किया है, कई थानों के जो मेन गेट रहते हैं वो बंद होने की स्थिति में नहीं, वो खुल गए तो बड़े ही खर्चे, हमारा चैनल भी बड़ा खींच खाँच से बंद होता है, तो आपको दरवाज़ा हमेशा खुला है, एक ड्यूटी अफसर है, आप जाइए उससे बात करिए, और हमारी पहचान ही हमें रिपोर्ट लिखना, कई बार मैंने आपको बताया लोग यूज नहीं मिस यूज़ करते, जैसे अभी आप देखें कि 498A इसके लिए ही पूरा नियम परिवर्तित हुआ, उसमें नियम कर दिया गया 7 साल से कम सजा के बारे में नोटिस दे के आप बुलाए, इस धारा का मैं समझता हूँ मैक्सिमम मिस यूज हुआ, ऐसे 304B इसका मैं जहाँ तक मानता हूँ लोग मिस यूज करते, ऐसी पुलिस सेवाओं के लिए लोग मिस यूज करने के लिए मैंने कई बार देखा कि चलो पुलिस चली जाए धमका दे डरा दे और ऐसा कर दे, तो उन लोगों को तो असहजता महसूस होती है, तो निश्चित तौर पर मैंने आपको बताया ये FIR लिखने की जगह है, यहाँ पे कार्रवाई की जगह है, कि आप इच्छा पूर्ति का स्थान नहीं है, कि आप इच्छा पूर्ति के लिए आए तो फिर आपको अगर आप इच्छा पूर्ति के लिए तो फिर असहज महसूस कर सकते हैं। हाल ही में सर थानों का ऑनलाइन करना होना था, यानी घर बैठ के आप FIR दर्ज करवा सकते थे ऑनलाइन करना, वो प्रोसेस अभी मतदान में लटकी हुई है, कब तक वो कम्प्लीट हो जाएगी सर प्रोसेस? ये तो सिस्टम में बदलाव धीरे धीरे आता है और आएगा, ये जिस दिन हो जाएगा बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, इसके लिए थोड़ा पुलिस फोर्स अतिरिक्त पुलिस फोर्स की जरूरत होगी, इसमें हम आप बता दें क्या होता है, कई बार मैंने जैसा बताया ना लोग मिस यूज करते हैं, तो कानून में थोड़ा ये है जो मिस यूजर्स हैं उनके लिए उतना क्विक रिस्पॉन्स कानून की तरफ नहीं, इसे आप मर्डर की FIR किसी के खिलाफ लिखा सकते हैं, पर मर्डर की चार्जशीट आपने अगर है तो तत्काल तैयार हो जाएगी और वो जाके उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा, वहीं मर्डर की झूठी साक्ष्य देना झूठी रिपोर्ट लिखाना सेम बिल्कुल उसका दंड बराबर है, लेकिन उस पर कार्रवाई के लिए फिर कोर्ट से परमिशन उसमें देर लगती है, कई बार अगर ऐसा हो कि नहीं जब दोनों चीज़ें जैसे खर्जी आपने काटी है तत्काल आप उस पर कार्रवाई करिए तो अक्सर कहा जाता है कि पैसे और पावर के हिसाब से FIR दर्ज होती है, इस कथन से कितना सहमत हैं आप? नहीं देखें आपको अब यहाँ नाम लेना उचित नहीं होगा, पैसे और पावर नहीं, आप में बिल पावर होना चाहिए, आप अगर FIR है आपके पास होता है तो आप कहीं भी FIR करा सकते हैं, देखें निकट समय में ही देश के बड़े धुरंधर लोगों के खिलाफ FIR हुई है और कानून उनके खिलाफ बढ़िया काम कर रहा है, और वो लोग मैं समझता हूँ एग्जाम्पल सेटअप है हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था में, कि जब आप कितनी भी अप्रोच रखते हो कुछ भी रखते हो, हाँ आपने अपराध किया है और अपराध को डिस्क्लोज करने वाला अगर फर्मली खड़ा हुआ है मतलब दृढ़तापूर्वक आपके सामने खड़ा है तो कानून अपना काम करता है, ये नाम लेना है उचित नहीं है, पर अभी आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े खिलाफ कानून का अभी भी। हम बात करेंगे नगेंद्र पार्टी के जज्बे की, सर आपने जुआ पकड़ अभियान चलाया यहाँ पर, बहुत जगह लगाम लगे जुओं पे, तो क्या मृगेंद्र पार्टी को कहीं ऐसा कुछ मतलब है, यहाँ लोकल लेवल से आपने काफ़ी रिच जुआ ही पकड़ा था सूत्रों के पास खबर है, कोई ऐसा दबाव जुआ पकड़ने टाइम कोई नवा हो, कोई दबाव राजनीतिक सामाजिक दबाव कोई आया हो जुआ पकड़ने के लिए? कि पकड़े गए जो पकड़े गए हैं? नहीं, मैंने आप बताया मैं फिर से रिपीट कर दूँ, वो आदमी आपके घर में प्रवेश कर ही नहीं सकता जिसके लिए आप दरवाजे नहीं खोलते, कहीं से कोई दबाव नहीं आता, आप काम करिए, और हमारे पास एक्चुअल क्या होता है मैं आपको निवेदन करूँ, कई लोगों का ऐसा मानना है पुलिस को हर चीज़ जानकारी रहती है, पर मैं आपको बता दूँ ऐसा नहीं है, हमें अगर हर चीज़ जानकारी हो तो हमारे जवान सड़क पर रात में सीढ़ी क्यों खोलते, जाके चोर को पकड़ लें या कोई और बदमाश है उसको पकड़ लें, तो आप कहीं से जानकारी अगर आती है उस पर कार्रवाई करते हैं, विगत समय में जुए के बारे में जानकारी आए तो हमने उसको कार्रवाई की, लेकिन नौगा में और भी वारदातें हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनका खुलासा होना बाकी है, लेकिन यह मृगेंद्र पार्टी जुआ पकड़ अभियान में लगे हुए हैं, तो लोग कहना कि जुआ पकड़ अभियान इसलिए है कि जुआ से पुलिस वालों को कहीं प्रॉफिट होता है, तो क्या बात सही है, इससे ज़्यादा ध्यान पुलिस वालों का जुआ पकड़ में रहता है? ये तो गलत है, प्रॉफिट लॉस की बात नहीं है, वहाँ बता जुआ पकड़ना इन जनरल बड़ा लेंदी पड़ता है, जुए में किसी जुआड़ी को आप पकड़ो चाहे बड़ा मैंने अमाउंट अगर जबती अमाउंट देखें चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हमें एक केस बनाने में 5 से 5.5 घंटे लगते हैं, कोर्ट पुटअप करने में 7-8 घंटे हो जाते हैं, और वहाँ पे उनको 100-200-500 की सजा होती है, तो हमारे लिए दो लेंदी प्रोसेस है, कोई ऐसा नहीं है हमें उससे
नौकरी की गेम होता हो। हाँ, चोरी का अगर हम मामला पकड़ते हैं तो निश्चित तौर पर हमें विभाग भी रिवार्ड देता है, लोग भी हमें अप्रिशिएट करते हैं और हमारी जो कार्रवाई वो दिखाई देती। जुआ पकड़ अभियान मैंने आप बताया, हमारे पास सूचनाएँ हैं, हमने फिर बताया कि इसे अभी एक पक्कल भाई करके किन्नर थे, उनका हत्या हुई है, उसमें हमने ओपन सबको बोला है कि जिसके पास कोई सूचना हो तो बताएं। लोगों ने सूचनाएँ दी भी हैं, हमने उनको वेरीफाई किया है, पर अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें मैच नहीं कर पाई। और जिस दिन हमें उसके बारे में या किसी और घटना के बारे में सूचना मिली थी, आपने जलते हुए सिलेंडर को रोड पर फेंक कर काफ़ी अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया है, वो कोई पल ऐसा शेयर करना चाहेंगे आप लोगों की जनता के साथ? नहीं, वो सिलेंडर हमने आप बताया कि यहाँ पे चूँकि अपन रिमोट में है, बहुत सी जो व्यवस्था अपने पास नहीं है, पर व्यवस्था होगी उसका हम इंतजार करेंगे, उसके लिए नहीं रुका जा सकता। जैसा मुझे मालूम पड़ा था कि उस घर के अंदर आग लगी है, सिलेंडर रखे हुए हैं और आग उन्हीं से लगी हुई है, तो सिलेंडर के बारे में आप बता दें कि दो तरह से सिलेंडर जब जलता है तो एक तो सिलेंडर के आस पास